अभी सो के उठा हूँ। एक्चुअली हम लोग जो हमारा स्टे था होटल, हम लोग वहाँ पे 1:30 बजे ही आ गए थे, बट मेरी गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई थी और हम लोग ज़्यादा ही थके हुए थे। सो मैंने उस टाइम ब्लॉग किया नहीं था। सो अभी मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ वहाँ से। तो ये मैं तुमको दिखा देता हूँ जो हमने होटल लिया है स्टे के लिए। ऑल्सो हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि मैं ब्लॉग यहाँ से भी कंटिन्यू कर रहा हूँ एंड तुमको रूम दिखा देता हूँ कि जो हमने स्टे के लिए रूम लिया है सबके लिए। तो कुछ रूम ऐसा है, ये लोग तो सोए खाना खा के, अभी लंच हुआ हमारा एक्चुअली। बेड, बाथरूम, एक छोटा सा बालकनी दिया है यहाँ पे चिल करने के लिए। बस यही है। अभी तो हमारा लंच हो गया है। लंच होने के बाद अभी मैं शुभम का वेट कर रहा हूँ और हैरी का। जैसे वो लोग यहाँ पे आएंगे तो हम लोग नीचे थोड़ा पूल में, यू नो, पूल में जाएंगे थोड़ा सा चिल करने के लिए। तो वहाँ आके मैं फुटेजेस डालता हूँ, इसके बाद देखते हैं। अगर गोप्रो का अंडर वाटर ले गया तो वाले भी फुटेजेस डाल दूंगा। चलो गाइस, तो अभी हो गया हम लोग रेडी। मैं और दीपक जा रहे हैं, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करेंगे और 6:30-7 बज रहे हैं, तो मौसम अच्छा है। और ये हमारा होटल है, चेक कर पा रहे हैं। आउट करते हैं और ये हमारी खड़ी सारी गाड़ियाँ, एंटॉर्क एंटॉर्क एंटॉर्क, ये किसकी है, एंटॉर्क, और ये हमारी गाड़ी बगमैन। तो अभी जाते हैं यहाँ से पैदल ही। अभी हम लोग आ गए एक शॉप के अंदर और ये शॉप भाई यहाँ बहुत एकदम, मतलब गोवा में पहनने वाले कपड़े हैं। दीपक ट्राई कर रहा, सही है मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा ही लग रहा है इसको। ए, सब लाइन में चल रहे एकदम कूल। ऑडियंस रिएक्शन देखने में मज़ा आ जाता है। सब है देखो, जैसे ये हमको देखे अभी लोग, छोरा छोरी। मेंटेन कर एक नॉर्मल क्रूजिंग स्पीड, क्रूजिंग स्पीड भी नहीं, नॉमिनल स्पीड 40-50। सॉरी सॉरी मार्मिक भैया। वाह यार, खेतों के बीच में रोड, वाइव आ रही है, वाइव। गोवा में आए हैं और कोकोनट ट्री ना देखे तो तुम क्या ही गोवा में आए हो। ये दिस इज गोवा। लेफ्ट में कोकोनट ट्रीज, राइट में कोकोनट ट्रीज, बीच में रोड, इधर फार्मिंग हो रही है, इधर भी फार्मिंग हो रही है, आई मीन प्लेन रोड है, तो वो सब दिखा रहा था। एक बात तो नोटिस कर रहा हूँ, गोवा में बिल्डिंग्स नहीं है, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टीज है सबके, सबने अच्छा खासा अपना घर बना रखा है और घर के सामने गैरेज, पार्किंग, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी से ज़्यादातर गोवा में। और प्लस इंडस्ट्रीज भी मैंने उतने सारे नोटिस नहीं किए, मतलब है ही नहीं ऑलमोस्ट, ऐसा लग रहा था। सो फाइनली वी हैव अराइव्ड एट अ लोकेशन, मोटोसोल।
वाह यार वाई आ रही है टीवीएस पार्किंग की स्पेस ढूंढी जा रही है अभी फिलहाल तो। कैसा है लोकेशन? ओ ये हम लोग अंदर आ चुके हैं गाइस मोटो सोल इवेंट के अंदर एंड मैं चलो तुम लोग को दिखाता हूँ यहाँ का कैसा प्रिपरेशन एंड यहाँ पे डेकोरेशन कैसी हुई है। लेट्स गो। और एक और चीज़ दिखाने को चाहूँ तो वहाँ पे हम लोगों ने हमारे रजिस्ट्रेशन कर ली थी बॉक्स ऑफिस के अंदर और हमको एज अ मर्चेंडाइज मोटो सोल के टी शर्ट्स मिले हैं। इवेंट का बैंड जो कि मेरे हाथ में येलो कलर का देख सकते हो लगा हुआ और मोटो सोल का स्टिकर नॉर्मल बेसिक सा। तो बाकी लोग अंदर जा चुके हैं मैं उनका भी दिखा देता हूँ। ये शुभम जा रहा है हेलमेट पकड़े हुए। चलो फिर अंदर के मैं दिखा देता हूँ सीन क्या चल रहा है। यहाँ चेकोरा एंटर के फुल्ली पार्ट है जो हर एक पार्ट को खोल के रखता है। मैं अंदर से दिखा देता हूँ भाई इंजन से लेके हर एक पार्ट को खोल के रखा है और ये पूरा मॉडल है हमारी एंटर। वी वॉन्ट एन एविएशन सिस्टम इन द एंटॉर्क एंड ऑल्सो हायर कैपेसिटी इंजन इन द नेक्स्ट अपकमिंग मॉडल। Oh, wow.
एंड हम गोवा से अब निकल रहे हैं और एंड डेट आज का कितना है, मे बी 4 रहेगा, या 4 नहीं 5 है. सो या वी आर लिविंग फ्रॉम गोवा राइट नाउ टू मुंबई. एंड हम लोगों ने प्लान किया था कि एक दिन एक्सटेंड करेंगे, बट ड्यू टू सम रीजंस वी कांट एक्सटेंड दिस एंड वी आर लिविंग राइट नाउ. सो या अब रास्ते में जो भी होगा मैं तुम लोगों को कोशिश करूँगा दिखाने के लिए. एंड हमारे साथ राज भी है, ये भी जुड़े हुए थे, तो ये भी हमारे साथ मुंबई के लिए निकल रहे. पीछे हैरी भी है, हैरी भी अब घर के लिए रवाना हो रहा है. तो या चलो, आई होप तुम लोगों को गोवा का मोटोसोल इवेंट एंड गोवा के ब्लॉग अच्छे लगे होंगे. एंड इफ़ अगर आपको अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपकमिंग कंटेंट गाइस. थैंक यू. हम लोग ने ये स्टॉप करा यहाँ पे और सातारा पहुँच गए अभी. No rules here. 'Cause I don't keep them. Higher than it is you. आर्मी को लेते 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 शिवम ने भी आता किया, शिवम ने भी आता किया तेरे में. तू शिवम को पकड़ अभी. I never make promises 'cause I don't